जय हिंद दोस्तों। दोस्तों घर बैठे लाइसेंस तो आपने सुना ही है, जो आजकल चला जा रहा है दिल्ली के अंदर और ऑल ओवर इंडिया के अंदर चला जा रहा है कि घर बैठे लाइसेंस बना सकते हो। तो आज मैं जो लर्निंग का, जो आप घर बैठे प्रोसेस जो करते हो, किसी को आता है किसी को नहीं आता, कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं आज वो पूरा उसका कंप्लीट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको लर्नर के जो स्टेप बाय स्टेप, पहले हम आधार नंबर लेंगे, ओटीपी लेंगे। उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक आधार के लिए होता है, एक विदाउट आधार के लिए होता है। जो विदाउट आधार के लिए है उसका मैं वीडियो इस वीडियो के बाद बनाऊंगा, पहले मैं विद आधार के साथ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, पहले जैसे आप आधार नंबर डालोगे आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी रिसीव करने के बाद आपको वो ओटीपी डालना है, उसके बाद फिर वो आपका एक होम पेज खुल जाएगा। उसमें आपको मेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर आपको वही डालना है जो आधार में रजिस्टर्ड है। यहाँ गलती मत करना, कोई नया नंबर मत डाल देना, वरना फिर ओटीपी के लिए आप लोग परेशान हो जाओगे। तो आपको सिर्फ नंबर वही डालना है जो आधार में आपके रजिस्टर्ड है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लर्नर लाइसेंस घर बैठे ऑनलाइन बना सकते। परिवहन डालना ही डालना, ऑनलाइन सर्विस वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आधार बेस पे वीडियो है अप्लाई का। अभी अप्लाई हमें करना है आधार के साथ, ठीक है, विद आधार। कंटिन्यू, ये सिलेक्ट कैटेगरी कर सकते हो आप, ये इन चीज़ों के लिए नहीं, थोड़ा सा रिबेट मिलता है। डिप्लोमेट के लिए भी कर सकते हो आप, फॉरनर के लिए भी, जनरल के लिए भी, बट ये उनके लिए कैटेगरी हो जिसके पास आधार होगा। मैं विद आधार की बात कर रहा हूँ, अगर इन लोगों के पास, किसी के पास दिल्ली का आधार है तो ऐसे बना सकते हैं वो लोग, ठीक है। आधार के बेस पे आप इस पे सिलेक्ट करेंगे, अब आ गया, हमें वाया आधार जाना है, क्लिक करा, सबमिट, ठीक है, ये आ गया। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी फ्रेश अगर लाइसेंस अपना अप्लाई कर रहे हो, पहली बात तो इसमें फ़ोटो अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग आधार में अपडेट नहीं कराते फ़ोटो, बचपन का बना हुआ होता है, नहीं तब भी इसमें बायोमेट्रिक और फोटो अपडेट नहीं है तो नहीं होगा। अगर जिसका पुराना आधार बना हुआ और फोटो बचपन की हो, तो सबसे पहले जाके आधार सेंटर पे जाके, 5,000 रुपये की फ़ीस है, वहाँ जाके आप फोटो अपडेट कराइए, बायोमेट्रिक अपडेट कराइए, और जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद आपको प्रोसेस करना है, ठीक है। मेरा तो सब कुछ कंप्लीट है, तो इसलिए मैं अपने आधार पर आपको बना के दिखा रहा हूँ कि घर बैठे कैसे बनाते हैं। यहाँ आपको पता, आधार नंबर डालना है आपका, ओटीपी। अब ओटीपी उसी नंबर पर आएगा जो आपके आधार पर ऑलरेडी नंबर रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये आपकी आधार वाली फोटो होगी। आप चाहोगे कि विदाउट आधार फोटो आप नहीं अपडेट कर सको, तो इसमें फोटो अपडेट नहीं होगी, जो आधार के बेस पे फोटो वही होगी, ठीक है। तो आपको हमसे प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे सारी डिटेल ऑलरेडी फिल होगी, बस आपको चेक करना है, ठीक है। जैसे चेक क्या करना है मैं बता देता हूँ, जैसे नाम ऑलरेडी है ही आपका, ठीक है। अब जैसे कोई फीमेल अप्लाई करती है तो उसके लिए फादर का फील, अगर मैरिड है फीमेल, अगर वो मैरिड है तो यहाँ से हस्बैंड का नाम चूज़ कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके आधार में कई बार हस्बैंड लिखा होगा, मैरिड है तो हस्बैंड लिखा होगा, नहीं लिखा होगा नाम तो आधार के बेस पे उठाएगा वो, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, ठीक है, और ब्लड ग्रुप अगर आपको पता हो तो आप डालिएगा, वरना मत डालिएगा, इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता हो तभी डालना, और इसमें वही नंबर जो आपके आधार में अपडेट है। मेल आई डी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे मेल आईडी के फायदे भी हैं, कई बार फ़ोन नहीं चला था, कम से कम एटलीस्ट उस पर तो ओटीपी लिया जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, है तो डाल दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जहाँ आप रहते हैं, साउथ वेस्ट का पता ही है आपको, देखिए जितने एरिया आते हैं, मैं आरकेपुर में रहता हूँ तो आरकेपुर का क्लिक करूँगा, आर दबाते चलोगे तो आ जाएगा किसी भी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। एड्रेस ऑलरेडी भरा होगा, वैसा मैं ओके करके वैसे एड्रेस को एक बार वेरीफाई करके प्रोसेस, सिर्फ यहाँ पे आप ये चीज़ चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कुछ एडिटिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत करना चाहो कि नियर अबाउट डालना चाहो यहाँ कर सकते हो, इसमें थोड़ा बहुत 19-20, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, नियर अबाउट या अपोजिट साइड में, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट करने के बाद में आप इसे एक बार नीचे करो सर्कल को, ठीक है, फिर मुझे कार और बाइक का चाहिए, मैं दोनों को एक बार इसको लूँगा, ऐसे दोनों को सिलेक्ट करके भी लिया जा सकता है, सिलेक्ट करके एक बार स्क्रिप्ट दबा दो तो चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद
मेरे को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, फिजिकल फिटनेस होता है सेल्फ वाला, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसके बगैर आप नहीं करोगे तो ये आगे प्रोसेस नहीं होगा, वहीं अटकते रहोगे। तो थोड़े पेशेंस भी रखा करो, कभी भी साइड पे काम कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है सर्वर थोड़ा सा इशू होता है तो कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है, बट इतना टाइम नहीं लगता, आजकल हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है। ये लो सबमिट, क्लियर, ओके एंड नो एंड सबमिट। क्वालिफिकेशन रह गया था मेरा जल्दबाजी में, मैं क्वालिफिकेशन डालना भूल गया था, ओके आ गया। और ये जब एक चीज़ छूट जाती है तो ये दोबारा से हमें करना करता है, उसे याद नहीं करना पड़ता, ठीक है। एंड ये फिर दोबारा करना पड़ेगा आपको सेल्फ डिक्लेरेशन। ओके ओके करो एंड बैक, ठीक है, नीचे आ जाओ एंड सबमिट, ओके एंड ओके एंड ओके। सबमिटेड, एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है, राइट, अब यहाँ से आपको कैप्चर डालना है जो आपका है सबमिट, ठीक है। एप्लीकेशन को लिख लेना, वैसे तो कई बार फ़ोन पे मैसेज में भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप देख लेना, ठीक है। अब इसमें देख लो अपलोड डॉक्यूमेंट, इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन ही नहीं आएगा, एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि ऑनलाइन है, आधार ऑनलाइन वेरीफाई कर लिया, तो इसीलिए डॉक्यूमेंट नहीं डालने की ज़रूरत है। वैसे इसमें फोटो सिग्नेचर के लिए मांग रहा है, लेकिन जिसमें हमारे सिर्फ सिग्नेचर जाएंगे, फोटो नहीं जाएंगे, बता कैसे बता देता हूँ अभी। ये देखो फोटो है ऑलरेडी, और बस सिर्फ मुझे यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करने हैं एंड सेव एंड सेव करना है सक्सेसफुली एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब वन ये कैप्चर आपको दोबारा डालना है, कैप्चर हर बार कंप्लीट करने के बाद डालना पड़ेगा, तो परेशान मत होना, इंजॉय करना, क्योंकि आप खुद कर रहे हो यार, उससे बड़ी बात यह है कि लर्नर आप खुद बना रहे हो। पहले तो विदाउट एजेंट लर्नर बड़ी मुश्किल से बनता था, अब आपको ई साइन, जो मैंने कहा था आधार वाला, ई साइन करना इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे क्लिक करो और ये ओके डालना, कुछ नहीं सिर्फ ओके करना, अब ई साइन। अब यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, ओके समटाइम टेक्निकली इश्यूज, तो इसमें मैं एक बता देता हूँ, जब आप इसे ओके करोगे तो आपको आधार नंबर डालना होगा, आधार नंबर डालने के बाद आपको आपके फ़ोन पे ओटीपी रिसीव होगा, ओटीपी रिसीव होने के बाद आप ओके कर देना, आपका ई साइन हो जाएंगे, ऑलरेडी हो गया सब कुछ। अब ये देखो इसमें स्लॉट एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि ये घर बैठे आपको टेस्ट देना होता है, फ़ोन पे भी दे सकते हो आप, लैपटॉप पे भी दे सकते हो। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना, अगर टेस्ट कैसे देना है तो मैंने एक वीडियो टेस्ट पे बना रखा है ऑलरेडी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना उस वीडियो को कि टेस्ट कैसे दिया जाता है, उसमें पूरा मैंने कंप्लीट टेस्ट के बारे में अलग से एक वीडियो बनाया हुआ। अब जैसे ही आप टेस्ट के लिए फीस पेमेंट करोगे, आपके फ़ोन पे एक मैसेज रिसीव होगा, आप टेस्ट के लिए आगे प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। और टेस्ट पे वीडियो देखना, उसके बारे में आपको बता ही चुका हूं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से चेक कर लीजिए। इस तरीके से आप घर बैठे लर्नर लाइसेंस बना सकते हो विदाउट किसी के हेल्प। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसी लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो मैं डालता रहता हूं, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।